साथियों नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया और इसी के साथ वो इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। जैसे ही उन्होंने बजट पेश किया उसके बाद शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। भारत का पहला बजट आर के शमुखम छेती द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और आज जो निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया उन्होंने बहुत पहले से बने हुए एक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो लेदर के बैग में बजट लेकर नहीं आई बल्कि एक लाल कपड़े में लपेट के वो बजट को लेकर आई। और पत्रकारों ने जब इस विषय पर सवाल पूछा तो इकोनॉमिक एडवाइजर के सुब्रमण्यम ने कहा कि जो बैग लेके वित्त मंत्री बजट आते थे वो कॉलोनियल एरा की गुलामी का प्रतीक था और उस विदेशी गुलामी के प्रतीक को तोड़ते हुए ये निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्री लाल कपड़े में लपेट के बजट लेकर आएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ बैग की जगह कपड़े में बजट लपेट के लाने से क्या देश की आर्थिक व्यवस्था जो इस समय बहुत खतरे के दौर से गुजर रही है क्या वो आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार होगा या नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और 2024-25 में उस अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक लेके जाने का सरकार का संकल्प है। अगर हम इस बजट का विश्लेषण करें हम चार सेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है डिफेंस का फील्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन को लेके। वो बार बार डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस को पूरा इक्विप करने की बात करते हैं, लेकिन उनका जो ये फोकस जो बातों में दिखता है वो इस बजट में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अब की बार का जो डिफेंस बजट है वो मात्र 3,18,000 करोड़ का है। पिछली बार के मुकाबले 6.87% की बढ़ोतरी है, जो पिछली बार 2.98 लाख करोड़ का था। अगर आप एक साल में हुई इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे तो ये पूरा इन्फ्लेशन को भी काउंटर नहीं कर पाएगा जो बजट में बढ़ोतरी की गई है। जिस तरीके से सेनाओं की मॉडर्नाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स थे उनका ये अनुमान था कि डिफेंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी डिफेंस के बजट में, जिससे सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन में तेजी लाई जा सके, लेकिन उन सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स को निराशा हाथ लगी है। हमारा बजट है डिफेंस का $45 बिलियन का, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चाइना का बजट है $175 बिलियन का। तो जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने दो चुनौतियां खड़ी हैं हमारे पड़ोस में, जिनके साथ हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए जिस तरीके से डिफेंस बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हुई। और इस ये डिफेंस बजट में जो अलोकेशन हुई उसको सुनने के बाद ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात सिर्फ बातों तक ही सीमित है और उनके एक्शन में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन सरकार ने एक कदम अच्छा जरूर लिया है डिफेंस बजट के डिफेंस के क्षेत्र में, और वो ये है कि जो अब तक जो डिफेंस के चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी, डिफेंस इक्विपमेंट, उन पे जो कस्टम ड्यूटी लगती थी अब वो कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी में 10-12 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो जाते थे सेनाओं के, लेकिन अब ये कस्टम ड्यूटी हटने के बाद वो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए बच जाएंगे और उनसे बाकी नए हथियार खरीदे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य ये बात है कि 2016 से पहले कभी भी इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। तो डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी लगाए जाने का जो प्रावधान है ये भी बीजेपी सरकार द्वारा ही 2016 में जब एनडीए का पहला कार्यकाल था उस समय शुरू किया था, यानी इस साल आके उन्होंने अपनी पहले की गलती को दुरुस्त किया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो निर्मला सीतारमण ने यह कहा वित्त मंत्री जी ने कि जीरो बजट खेती की ओर ध्यान दिया जाएगा। बात बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन जो अभी किसानों की रियल इश्यूज हैं, जो किसान जिस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए सरकार क्या करेगी, इसमें कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो उसमें 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी की गई मात्र। अगर आप सिंचाई योजना की बात करें तो उसमें 500 करोड़ की बढ़ोतरी की गई। अगर आप आशा पीएम आशा योजना की बात करें तो उसमें मात्र 100 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। तो जो एग्रीकल्चर पे भी जो बातें हैं, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2016 में कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन वो किस तरीके से दोगुनी करेंगे, कितनी आय अब तक बढ़ चुकी है, वो 1.5 गुना तक अब तक हुई है या नहीं हुई है, किस रेट पे उसका ग्रोथ रेट चल रहा है, इस पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई प्रकाश नहीं डाला।
जो किसानों की रियल समस्या है कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उनको फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए, उसको लेकर सरकार क्या करेगी, इस पे भी कोई प्रकाश नहीं डाला। सिर्फ एक जीरो बजट खेती का जुमला कह दिया गया। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये बातें सिर्फ सतही प्रतीत होती हैं, इसमें कोई गहराई नजर नहीं आती कि जो कृषि विकास दर 14 साल के सबसे निम्नतम, सबसे नीचे स्तर पर पहुंची हुई है, उसको ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसपे हमारी 50 करोड़ से भी अधिक लोग हमारे देश के डिपेंडेंट हैं, उसको किस तरीके से कृषि दर बढ़ाई जाएगी, इस पे सरकार का कोई भी गहन चिंतन या कोई भी गहन एक ब्लू प्रिंट दिखाई नहीं पड़ा इस बजट के अंदर। अगर आप बात करेंगे बेरोजगारी की, तो इस समय देश में बेरोजगारी पिछले 45 सत्र के सबसे उच्चतम रिकॉर्ड पे है। तो इस बेरोजगारी के आंकड़े को काउंटर करने के लिए सरकार किस तरीके से नए रोजगार पैदा करेगी, इसको लेके सरकार की कोई भी नीति नजर नहीं आती। सरकार ने सिर्फ इतना कहा कि स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए सरकार एक अलग से चैनल लॉन्च करने पर विचार कर रही है, जिसमें जो स्टार्टअप करते हैं, जो लोग खुद वही उस चैनल को चलाएंगे। लेकिन ये कोई ठोस नीति नहीं है कि किस तरीके से आप देश में रोजगार पैदा करेंगे, किस तरीके से आप बेरोजगारी की समस्या को हटाएंगे, इसको लेकर सरकार का कोई भी गहन चिंतन नहीं दिखता है। और जो करोड़ों युवा इस समय जो परेशान है बेरोजगारी की समस्या से, उनको बहुत सारी उम्मीदें थी, सरकार ने अलग अलग कमेटियां बनाई थी इस बजट से पहले कि किस तरीके से बेरोजगारी की समस्या को निपटा जाएगा, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को संभाला जाएगा, लेकिन उन करोड़ों युवाओं की उम्मीदें धूमिल दिखती हुई प्रतीत हुई इस बजट से। अगर आप बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो अभी कुछ दिन पहले पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर ये थीम रॉय ने यह कहा था कि हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, वो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती जा रही है और गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन सरकार ने उसको लेके भी कोई ठोस नीति पेश नहीं की कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थीम रॉय ने कहा था कि भाई हमारी इकोनॉमी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने वाली है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार गिरता जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दर, तो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सरकार बढ़ाएगी, इसको लेकर सरकार का कोई भी नीति नजर नहीं आती है। और जो खासकर जो यथीम रॉय ने ये तो टिप्पणी की थी मिडिल इनकम ट्रैप को लेके, उसको ये समझना बड़ा जरूरी है। मिडिल इनकम ट्रैप एक वो फिनोमिना होता है जिसमें किसी देश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना होके सिर्फ उसी देश के जो टॉप 10% लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर पे डिपेंडेंट हो मैन्युफैक्चरिंग, और समय के साथ उन 10% लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाए या खत्म हो जाए, तो उस देश की इकोनॉमी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है, जैसे साउथ अफ्रीका और ब्राजील की फंसी। इसके कई सारे कारण हैं, जो नोटबंदी की गई उससे भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, जीएसटी से भी लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई, लेकिन एक बड़ा कारण यह भी है कि 1990 के बाद से जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो चल रही थी हमारे देश की इकोनॉमी में, वो भी एक बड़ा कारण है। तो उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, उस पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई प्रकाश नहीं डाला। तो जो चारों जो इंपॉर्टेंट सेक्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग के, रोजगार के, किसानों के और डिफेंस का जो सेक्टर था, उन चारों में बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन सरकार ने उन चारों सेक्टरों में इस बजट के जरिए निराश करने का काम किया है। अगर आप इस बजट की नॉर्मल हाइलाइट्स देखें तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनमें अब तक गवर्नमेंट की 51% हिस्सेदारी होती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि वो 51% हिस्सेदारी का जो नियम था सरकार उसको हटा सकती है और सरकार की हिस्सेदारी 51% से भी कम आ सकती है, यानी उसकी और भी परसेंटेज, जो उसका और भी जो पार्ट है वो प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में एक अच्छा कदम उठाया कि 45 लाख तक के हाउसिंग लोन पे अब 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, जो पहले 2 लाख तक की थी, यानी अब टोटल छूट दी जाएगी 3.5 लाख तक की। उसके अलावा जो जिनकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है उन पे इनकम टैक्स 3% बढ़ा दिया गया है, और जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है उन पे 7% टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार उसमें भी छूट देगी। इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड की बात सरकार ने की है। वन नेशन वन कार्ड के तहत आप सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में पूरे देश में घूम सकते हैं सिर्फ एक कार्ड के जरिए, तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है। इसके अलावा 2024 तक हर गांव में, हर घर में पीने लायक पानी पहुंचाने की सरकार ने शुरुआत की है, यह भी सरकार का अच्छा कदम है। हर घर जल नाम से यह परियोजना शुरू की गई है, जो जल के लिए, जो जल शक्ति अलग से मंत्रालय है वो इस काम को देखेगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे डीजल
और पेट्रोल के रेट, उन पे जो टैक्स लगता था वो एक रुपया बढ़ा दिया गया है, यानी डीजल और पेट्रोल का दाम एक रुपये तक बढ़ गया है। इसके अलावा नए स्टार्टअप्स के लिए, नए स्टार्टअप देश में शुरू करने के लिए एक अलग से चैनल शुरू किया जाएगा, जिसको जो स्टार्टअप करने वाले युवा हैं वही उस चैनल का संचालन करेंगे। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं देश में नए आईआईटी और आईआईएससी खोलने के लिए। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो यूजीसी की तरह काम करेगा और रिसर्च के सारे वर्क्स को, सारे कामों को कोऑर्डिनेट करेगा। और एक जो सरकार द्वारा एक अन्य अच्छा जो कदम उठाया गया है, जो ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 था, उसमें अब तक सिर्फ भारत के लोग, पूरे हमारे देश के लोग ही उसके दायरे में आते थे, लेकिन अब सरकार ने एनआरआई लोगों को भी उसके दायरे में लाने का फैसला किया है, क्योंकि जो एनआरआई लोग थे वो बहुत सारी टैक्स में गड़बड़ करते थे और बहुत सारा वो ब्लैक मनी का, उनके ऊपर की ब्लैक मनी की भी गड़बड़ करते हैं, ऐसा शक सरकार को था। इसलिए सरकार ने कि ये बहुत बेहतर कदम उठाया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 में अब एनआरआई भी शामिल होंगे। तो सरकार ने कुछ छोटे मोटे अच्छे कदम लिए हैं, लेकिन जो एक मेन, जो एक दिशा देनी थी पूरे देश की इकोनॉमी को, जो इस समय गंभीर खतरे में है, गंभीर संकट में है इकोनॉमी को, वो दिशा सरकार द्वारा दिखती हुई कहीं प्रतीत नहीं हुई। तो जो मेन सेक्टर थे उनको बहुत सरकार ने निराश किया और इसीलिए आज बजट के बाद हमारा सेंसेक्स भी नीचे गिरा, शेयर मार्केट नीचे गिरा। और वित्त मंत्री ने तरीका तो बदला बजट पेश करने का, एक लेदर बैग की जगह उन्होंने एक लाल कपड़े में लपेट के बजट तो पेश किया, लेकिन उस बजट से हमारे देश के युवाओं का भविष्य बदलेगा ऐसा दिखता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी की सूरत बदलेगी ऐसा दिखता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। तो आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।